आपने भी बोला आचार्य जी कि चेतना हमारी वो जकड़ी हुई है, तो हालांकि चेतना वाला शब्द हम बहुत बार यूज़ करते आ रहे हैं, कॉमनली यूज़ होता है, पर पता नहीं सुनते हुए लगा कि चेतना एग्जैक्टली होती क्या है आज ये, क्योंकि चेतना मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा है कि जब मैं मेरे विचार चलें तो ही मुझे लगता है कि मैं चेतन हूँ, पर विचार हम जानते हैं कि मतलब घूम फिरा के एक फिज़िकल चीज़ है, शरीर मतलब शरीर का भाव ही है जो हमें विचारों में दिखता है, तो मतलब है क्या चेतना असली में? यही हमारी चेतना की विवशता है कि वो शरीर पर आश्रित है। तुम अपने आप को चेतन कहते ही तभी हो जब मस्तिष्क में कुछ हो। यहाँ पर, यहाँ मांस है ना, यहाँ शरीर है, यहाँ जब कुछ होता है तो तुम कहते हो मैं कॉन्शियस हूँ, मैं चेतन हूँ। इसीलिए तो हमारी चेतना का दम घुटा हुआ है, वो मस्तिष्क पर आश्रित है। तुम समझते भी कैसे हो मस्तिष्क से? अभी भी मैं कुछ कह रहा हूँ तो मेरी बात तुम्हारे कानों पर पड़ रही है, मस्तिष्क में जा रही है, तुम उसका अर्थ कर रहे हो व्याकरण के हिसाब से, और फिर तुम्हें लगता है कि तुम समझ गए। तो तुम्हारी चेतना मस्तिष्क पर निर्भर कर रही है, शरीर पर आश्रित है, इसीलिए तो बेचारी परेशान है। जो मुझे बिना कान के सुन सके और बिना मस्तिष्क के समझ सके उसने मुझे समझ लिया, पर फिर उसे मुझे बिना आँखों के देखना होगा। हमारी चेतना इसीलिए परेशान है कि तुम्हें मुझे सुनना भी है तो तुम्हें शरीर का सहारा लेना पड़ता है, शरीर यहां लाके रखना पड़ता है। मुझे बिना शरीर के सुन लो, चेतना आजाद हो गई। बिना मस्तिष्क के मुझे समझ लो, चेतना आजाद हो गई। जब कहा जाता है निर्विचार, तो वास्तव में क्या कहा जा रहा है? विचार माने शरीर, विचार माने मस्तिष्क की गतिविधि। मस्तिष्क में विद्युतीय गतिविधि होती है, उसका नाम होता है विचार। तो जब कहा गया विचार से आगे का या विचार शून्यता का, तो वास्तव में कहा क्या कहा गया? देह से आगे का। तो जब कहा जाता है कि निर्विचार में ही बोध उतरता है, तो वास्तव में यह कहा जा रहा है कि बोध देह में नहीं उतरेगा, मस्तिष्क में नहीं उतरेगा। मस्तिष्क में तो विचार ही उतर सकता है अधिक से अधिक, बोध तो कहीं और उतरेगा। कहाँ उतरेगा भाई, तो गड़बड़ हो गया। हम तो शरीर ही जानते हैं, हम कहते हैं हमें बोध होना चाहिए और हमें माने शरीर को होना चाहिए। अब शरीर में अगर मस्तिष्क में बोध नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? क्या पता बाएं हाथ में आता हो, क्या पता किडनी में आता हो। हमारी तो मजबूरी है, हम माने शरीर। जो इस मजबूरी से पार पा गया उसकी चेतना आजाद हो गई। इसी मजबूरी के मारे तो चेतना का दम घुटा हुआ है। बिना कानों के सुनना, सुना जा सकता है बिना कानों के भी। एक दफा एक देवी जी आई थी, वो बोली दिन भर दफ्तर में काम करती हूँ, फिर घर आती हूँ तो बच्चे हैं छोटे, घर की देखभाल करनी होती है, पति हैं, खाना इत्यादि भी मैं ही बनाती हूँ, और अपने दफ्तर में भी मैं एक जिम्मेदारी के पद पर हूँ, तो सुबह निकलती हूँ शाम को देर से ही आती हूँ, पर आपको खूब सुनती हूँ। तो मैंने कहा कब? दफ्तर जाते हुए, दफ्तर आते हुए, गाड़ी चलाते हुए शायद सुनती होंगी। बोली नहीं,
दफ्तर आना और जाना तो कंपनी की गाड़ी से होता है, उसमें मेरे अलावा भी कुछ लोग होते हैं, तो उसमें तो नहीं होता। तो मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने कहा आप सुनती कब है मुझे, शायद छुट्टियों के दिनों में सुनती होंगी। तो बोली नहीं, बोली जब लेट जाती हूँ तब सुनती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, ईयरफोन लगा के सुनती होंगी। बोली नहीं, बच्चा छोटा है बगल में ही लेटा रहता है, ईयरफोन तो खींच देता है, तार तो मुट्ठी में बांध के खींच देता है, करती क्या है। बोली मोबाइल में वीडियो लगा देती हूँ म्यूट करके, सुन लेती हूँ। बोली रोज आधा घंटा मोबाइल में वीडियो चलता है म्यूट। अब तुम उनसे अगर पूछोगे कि किसी वीडियो में मैंने क्या बोला तो नहीं बता पाएंगी। तुम उनसे पूछोगे कि अमुक वीडियो में आचार्य जी ने बताइए कौन सा उदाहरण दिया था तो नहीं बता पाएंगी। पर उनकी हस्ती बता रही थी, उनकी आंखें बता रही थी कि सुना, बिना कानों के सुना है। ये कुछ हुई थोड़ी अलौकिक बात, ब्लैक होल से ज्यादा अलौकिक। दिक्कत की बात यह है कि चेतना की मुक्ति के जितने लक्षण हैं वो सब हमारी सामान्य संस्कृति में मूर्खता के लक्षण हैं। इसीलिए हमारी चेतना मुक्ति की ओर कदम भी नहीं बढ़ा पाती। मुक्त चेतना का आदमी एक एक काम जो करता है, जैसे जीता है चलता है, जो अपने जीवन के कर्म और निर्णय करता है, वो सब सामान्य संस्कृति में मूर्खता के लक्षण है। अब तुम लोग अभी यहाँ जरा अदब में बैठे हुए हो, गुरुजी सामने हैं, सत्संग की बात है तो तुम लोग सुन ले गए कि कोई वीडियो देख रहा है म्यूट करके। नहीं तो किसी साधारण आदमी को बताओ कि वो म्यूट करके सत्संग सुनती हैं तो तत्काल क्या कहेगा, मूर्ख है, पागल है। इसीलिए तुम कभी मुक्त हो नहीं पाते, क्योंकि मूर्ख कहलाने से डरते हो, दूसरों की नजरों में सम्माननीय बने रहना चाहते हो, कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जो विचित्र लगे। अजूबा लगे, न्यारा लगे। प्रथा परंपरा सम्मान के विरुद्ध जाए। रमण महर्षि जब बोला करते थे तो एक गाय आके खड़ी हो जाती थी, और उनका कहना था ये सब सुनती है, उसने भी सुना है बिना कान के, क्योंकि उसका मस्तिष्क
इंसान की भाषा तो जानता नहीं, पर फिर भी वो सब सुन ले गई। महर्षि का यहां तक कहना था कि वो मुक्त हो गई। संस्कृत में गीता बांची जा रही थी, एक स्त्री खड़ी है, गीता पाठ चल रहा है और वहां वो रो रही है, झरझर आंसू झरझर आंसू। जब पाठ खत्म हो गया, किसी ने पूछा, मैया तुझे कौन सी बात इतना द्रवित कर गई? बोली, देखो संस्कृत तो मुझे आती नहीं। बोले, फिर रो काहे को रही थी? बोली, बस कृष्ण है, कुछ समझा रहे हैं अर्जुन को। क्या समझा रहे हैं? नहीं, वो हम नहीं जानते क्या समझा रहे हैं, पर समझा रहे हैं। इसने सुना है बिना कान के। और ये चीज इतनी सूक्ष्म है, इतनी नाजुक, इतनी महीन कि तुम इसे छुओगे तो गंदी हो जाएगी। ये जहां पर स्वतः घटे ताजी ताजी, वहीं पर असली है। जहां ये उदाहरण की और अनुकरण की चीज बन गई, वहां ये खराब हो जाती है। किसी अन्य ने इसको छुआ नहीं कि ये चीज खराब हो जाती है। तुमने इस बात को कहानी की तरह ले लिया, उदाहरण की तरह ले लिया, आदर्श की तरह ले लिया, तो ये बात खराब हो जाएगी। ये तो जहां स्वतः स्फूर्त हो गई, वही मायने रखती है, अन्यथा नहीं। तुलसीदास रामचरितमानस में अपने रघुराई के लिए कहते हैं कि बिना पांव के चलते हैं वो। बिना पांवों के चलते हैं, बिना आंखों के देखते हैं। वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। जब होगा तो पहचान जाओगे, कहोगे यही है वो, अब पता चला। जब होता है तब पता चलता है। आज हम चले बिना पाँव के, आज हमने सुना बिना कानों के। आज अनहोनी होनी हो गई। उसका स्वाद है अनुपम। फिर उसमें डूबते जाओगे, फिर कहोगे बार बार चाहिए, यही चाहिए। पांव से चलने में लुत्फ कहाँ जो बेपैर के चलने में। बिना सिर के सुनोगे, बिना पैर के चलोगे, दुनिया कहेगी बेसिर पैर के हो गए। तुम कहोगे जी।